हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? तो गाइस, आज हमारे सामने खड़ा है टाटा पंच का सीएनजी वेरिएंट। और जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इस बार ऑटो एक्सपो में टाटा पंच का सीएनजी वेरिएंट रिवील होने वाला है, तो टाटा ने अपने सीएनजी वेरिएंट को, पंच के सीएनजी वेरिएंट को रिवील कर दिया है। और अगर आप देखोगे इस बार ऑटो एक्सपो में सबसे ज़्यादा भीड़ आपको टाटा के पेवेलियन में देखने को मिलेगी, बिकॉज टाटा ने इस बार ऑटो एक्सपो में अपनी कई कार्स को रिवील किया है। टाटा के पेवेलियन में आपको बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगा। तो गाइज, अब हम जल्दी से कवर करते हैं कि इस बार टाटा पंच के इस सीएनजी वेरिएंट में आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर मैं एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो आपको सेम वही डीआरएल यूनिट देखने को मिल रही है। एक्सटीरियर लुक में आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, सेम ग्रिल आपको देखने को मिल रही है, सेम डीआरएल यूनिट मिल रही है, वहीं पर फॉग लैम्प की प्लेसमेंट है, तो एक्सटीरियर में आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बात करूँ कार के साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रहा है। सेम आपको टायर का प्रोफाइल सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसमें आपको 16 इंच के टायर देखने को मिल रहे हैं। और अलॉय व्हील भी आपको सेम जो करंट यूनिट में आ रहे हैं वही अलॉय व्हील कंपनी इस बार इसके सीएनजी वेरिएंट में भी दे रही है। बात करी जाए इसकी इंटीरियर की, तो इंटीरियर भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा, तो इंटीरियर में भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। एक एडिशनल फीचर ऐड किया गया है, सनरूफ। अब जी हाँ, अब आपको टाटा पंच सीएनजी वेरिएंट में सनरूफ देखने को मिल सकता है। तो कंपनी ने नया फीचर ऐड किया है सनरूफ का इसमें। तो आप बात करें और इसके साइड प्रोफाइल में आपको और ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट जो हमारी करंट पंच आ रही है उसके जैसा ही रखा गया है, तो साइड प्रोफाइल में और कोई चेंजेस नहीं किए गए। अगर मैं आपको दूसरी साइड से दिखाऊँ, दूसरी साइड से थोड़ा क्लोजली अगर मैं इसका इंटीरियर आपको मैं दिखाऊँगा, तो आप देखो साइड प्रोफाइल में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है। साइड प्रोफाइल एज इट इज़ सेम है, जैसे हम आपको करंट पंच में मिल रही है। बात की जाए यार, अगर मैं इसका इंटीरियर भी देखूंगा ना, तो इंटीरियर भी आपको इसमें ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। और जो इसमें सनरूफ दी गई है, सनरूफ का साइज़ थोड़ा छोटा है, तो सनरूफ का साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है पंच में। बट कार साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सनरूफ सफिशिएंट है, एंड आई गेस इससे ज़्यादा बड़ा सनरूफ शायद नहीं भी मिलता है इस कार में। और जिस प्राइस रेंज में ये आ रही है, तो आई डोंट थिंक सो इससे बड़ा सनरूफ आपको कंपनी ऑफर करती है। अब जल्दी से चलते हैं इसके बूट पे। तो यार, अगर मैं इसकी सीएनजी की प्लेसमेंट देखूँ, तो कंपनी ने इस बार इसमें टू सिलेंडर ऑप्शन दिया है। और आपको इसमें वन सिलेंडर ऑप्शन की ना देकर कंपनी ने इस बार आपको इसमें टू सिलेंडर ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं। तो टू सिलेंडर से यार बेनिफिट ये हुआ है कि इसमें आपको 150 लीटर का बूट स्पेस मिल गया है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम थी होती है यार कि सीएनजी कार पे हम अपना लगेज कैरी नहीं कर सकते, तो आप इसमें अपना इजीली से आप अपना लगेज भी कैरी कर सकते हो। तो टू सिलेंडर्स आपके लग गए, इसमें 6 केजी के आपको टू सिलेंडर्स इन्होंने इंस्टॉल करे हैं। और ये टू सिलेंडर इंस्टॉल करने के बाद भी कार में इतना सफिशियंट स्पेस बच गया है कि आप इसमें अपना ईजिली लगेज कैरी कर सकते हो। तो यार, जो सीएनजी कार्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, कि हम लोग कहते हैं कि हम अपना लगेज कैरी नहीं कर पाते सिलेंडर लगने के बाद, तो अब आपको वो प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं। गाइस, इस समय यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो इसकी हम ज़्यादा डिटेल वीडियो तो शूट नहीं कर पा रहे हैं। बट वी प्रॉमिस, जैसी ये गाड़ी लॉन्च होती है, हम इसकी डिटेल वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।